हंसी आती उन लोगों की बात को सुनकर जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन तो मिल गया ना, इक्वालिटी तो आ ही गई है, धीरे धीरे सिनारियो और चेंज हो जाएगा और वुमेन्स की सिचुएशन और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इज्जत और सम्मान तो इस क्राइटेरिया में आता ही नहीं उन लोगों के अकॉर्डिंग। उन लोगों के अकॉर्डिंग जो एक चीज़ है फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है रिजर्वेशन। मत दो हमें रिजर्वेशन, हम बिना रिजर्वेशन के भी उड़ना जानते हैं। अगर एक चिड़िया के पंखों में हौसला हो तो वो गिर कर भी आसमान को चूमना जानते हैं। आज हम आप नृत्य के माध्यम से आप रीति समझाना चाहते हैं, दूर से ही आपको खुद से रूबरू करवाना चाहते हैं। जो चीज़ें हम रोज़ अपने जीवन में महसूस करते हैं, आज हम आपको उनसे अवगत कराना चाहते हैं। जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ हो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। वो दुर्गा है, वो काली भी, वो लक्ष्मी है और सरस्वती भी। हम वो हैं जिसकी मांग में सिंदूर किसी और के नाम का होता है, गला तो हमारा होता है पर मंगलसूत्र किसी के नाम का होता है। कोख में 9 महीने तक बच्चा हमारे होता है पर उसके नाम के आगे सरनेम किसी और के नाम का होता है। तो इस समाज से इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि अपने सो कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स से ऊपर उठकर हमें हमारा हक देते। चिल्ला चिल्ला कर मांगने की आदत नहीं हमारी, इसीलिए खुशी खुशी जितना मिलता है उसी में खुश रहते हैं। स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों ही पहियों के बिना वाहन को चलाना आसान है। बस छोटी सी गुजारिश है, जेंडर इक्वालिटी कि अगर हम बात करते हैं तो उस पर अमल भी करें।
आशा करती हूँ जो संदेश मैं आप तक पहुँचाना चाहती थी वो आप तक पहुँच चुका होगा। इसी के साथ हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर हियरिंग अस।